नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मेरी ये सिविल जज, एडीपीओ या अदर कोई भी लाइक एग्जाम है जहां पे सीआरपीसी आती है, तो उसके लिए एक उपयोगी क्लास है। इसको आप देखें और फ़ायदा उठाएं। तो हमारा सब्जेक्ट है आपका दंड प्रक्रिया संहिता 1973, और इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं तीन महत्वपूर्ण धाराएं हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। एक तो धारा 45 है, धारा 46, 46 और धारा 47, 47। तो 45, 46 और 47, तो इन तीन धाराओं से जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं आपको हम बताने जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस धाराओं को हमने एक कहानी की तरह आपको हम बताएंगे, तो एक कहानी की तरह इसको आप दिमाग में रख सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारी ये 19वीं क्लास है सीआरपीसी की। तो हम पहले बात कर रहे हैं धारा 45 की। तो धारा 45 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। धारा आपकी जो 45 है, जो सशस्त्र बल हैं या तो केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं, तो उन्हें जो है वो कुछ इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। तो उनको जो है वो धारा 41 से लेकर के 44 तक में जो गिरफ्तारियाँ होती हैं, उन गिरफ्तारी से इनको संरक्षण दिया गया है। तो इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, इसके लिए हमको एक विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी अगर गिरफ्तारी करनी है। जैसे कि अगर कोई केंद्र सरकार का सशस्त्र बल है या कोई राज्य सरकार का सशस्त्र बल है और जो अपनी ड्यूटी के दौरान कोई कार्य करता है, तो उस कार्य के लिए जो है वो धारा 41 से लेकर के 44 तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी कब हो सकती है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यदि वो केंद्र सरकार का सशस्त्र बल है तो केंद्र सरकार की अनुमति से, और यदि वो राज्य सरकार का सशस्त्र बल है तो राज्य सरकार की अनुमति जो है वो पहले से लेनी होगी। तो ये अनुमति वाली बात से क्वेश्चन बनता है आपका कि किसकी अनुमति से गिरफ्तारी हो सकती है, या किनको धारा 45 किनको संरक्षण प्रदान कर रही है, या किन धाराओं के अधीन संरक्षण प्रदान कर रही है, तो ये इसका जो है मुख्य प्रावधान है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया गिरफ्तारी के बारे में, हमने काफ़ी कुछ बताया आपको। आज हम बात कर रहे हैं कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है, गिरफ्तारी करने की जो है वो क्या प्रक्रिया है। पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, तो गिरफ्तारी जो है वो किस तरह से करेगा, कौन कौन सी प्रक्रिया जो है गिरफ्तारी करने में वो अपनाएगा। चलिए हम चलते हैं। तो धारा 46, तो इसका शीर्षक ही है आपका कि गिरफ्तारी जो है वो कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो हमने उसको पॉइंट बना दिया है, वन लाइन पॉइंट बना लिया है, और लगभग सभी बातें हमने जो इसमें सम्मिलित की हैं, कोई भी महत्वपूर्ण फैक्ट इससे छूटेगा नहीं। तो इसको देखिए आप। तो पहली बात तो है कि पुलिस अधिकारी या अन्य द्वारा गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति के शरीर को छूकर या प्रलुब्ध करके की जाएगी जब तक कि उसने जो है वो वचन से माने बोल करके या कर्म से माने उसके हाव भाव हैं कि वो अपने आप को अगर समर्पित कर रहा है या बोल रहा है कि ठीक है गिरफ्तार कर लीजिए हम देखेंगे हम, तो फिर उसके शरीर को छूना या प्रलुब्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो गिरफ्तारी के लिए क्या होगा कि गिरफ्तारी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा तो उसके शरीर को जो है वो छुएगा और उसको जो है वो क्या करेगा प्रलुब्ध करेगा, है ना, प्रलुब्ध करेगा। लेकिन यदि वो गिरफ्तारी के लिए तैयार है, उसने अपने आप को वचन से या कर्म से जो है वो अपने आप को समर्पित कर दिया है, तो फिर ये छूना और प्रलुब्ध करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए उसके आगे देखते हैं। यदि वह गिरफ्तारी का बल प्रतिरोध करता है, माने कि गिरफ्तारी का अगर विरोध किया जाता है, सामान्यतः अधिकांश मामलों में ये होता है कि जिस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो वो क्या करता है, उस गिरफ्तारी का विरोध करता है। तो यदि वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, यदि वो उसका बलात् प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, तो क्या करेंगे, तो पुलिस अधिकारी जो है वो आवश्यक सब साधनों का उपयोग कर सकता है। तो आवश्यक सब साधनों का उपयोग कर सकता है, तो ये आवश्यक सब साधन जो है ये तथ्य का प्रश्न है कि कितने बल की आवश्यकता थी, क्या उससे अधिक बल का प्रयोग तो नहीं किया गया। तो ये जो है वो एक तथ्य का प्रश्न है जो हर मामले पर जो है वो अलग अलग डिसाइड होता है। फिर क्या मृत्यु या गिरफ्तारी के दौरान जो है वो क्या मृत्यु या मृत्यु कैद कर सकता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, यदि वो गिरफ्तारी का विरोध करता है तो क्या उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है, तो हाँ, यदि उस पर जो है वो दो तरह के अपराध, या तो मृत्युदंड
या आजीवन कारावास। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग है और वो गिरफ्तारी का प्रतिरोध कर रहा है तो आवश्यक सब साधनों के उपयोग में जो है वो उस व्यक्ति की जो है वो मृत्यु भी कारित की जा सकती है। लेकिन अगर इस तरह का मामला नहीं है तो मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है, अन्य जो है बल का प्रयोग हो सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है किसी स्त्री की गिरफ्तारी के बारे में, तो स्त्री की वो भारतीय समाज में जो है कि व्यापक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, तो हमारा कानून भी जो है वो इसको एक सम्मानित दृष्टि से देखता है और कुछ विशेष प्रावधान करता है। चलिए हम देखते हैं, असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके, है ना, अगर कोई असाधारण परिस्थितियाँ हैं तो उनको छोड़ करके किसी महिला को, है ना, किसी महिला को सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो महिलाओं को संरक्षण दिया गया है कि अगर कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं है तो किसी महिला को जो है वो रात्रि के, है ना, कुल मिला के अगर आप सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, माने कि रात अंधेरा हो तो उस दौरान जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया सकता। लेकिन यदि कोई ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ हैं, उसके भाग जाने की संभावना है, यदि पुलिस को ये सूचना मिलती है कि कोई महिला अपराधी जो है वो जिस पर अपराध का अभियोग है वो किसी घर में जो है वो है और उसकी गिरफ्तारी करना जो है वो ज़रूरी है, सुबह जो है वो निकल के कहीं भाग सकती है, तो ऐसी स्थिति में क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करना होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है हमको क्या करना होगा, उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट, और कौन सा मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जहाँ पे अपराध हुआ है उसकी जो है पूर्व अनुमति लेकर के हम जो है वो उसको रात्रि के दौरान भी गिरफ्तार कर सकते हैं। तो किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की, है ना, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से जो है वो किसी महिला को जो है वो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले भी जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। और एक चीज़ हम और बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, महिलाओं का हो गया आपका, ये हो गया, ये आपकी धारा का सार है कुल मिला करके, इसमें हमने सभी बातें बताई हैं आपको जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं धारा 47 की, तो ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई और वो दौड़ लगा लिया और जाकर किसी घर में जो है वो छुप गया, तो ऐसी स्थितियों में पुलिस जो अधिकारी जो या कोई अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तार करने वाला है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है, गिरफ्तार करने की उसको शक्ति प्राप्त है, तो वो क्या करेगा, तो सर्वप्रथम क्या करेगा, वो एक कहानी तरह देखिए, तो सर्वप्रथम क्या करेगा, उस भवन स्वामी से जो स्थान का स्वामी है या स्थान का जो भार साधक है, माने उस समय कोई किराएदार भी है, तो उससे उस भवन में जो है वो बताएगा कि इस भवन में जो है वो जिस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं वो आपका इसी के अंदर जो है प्रविष्ट हो गया, इसी के अंदर जो है वो आ गया है, उसको हम जो है तलाशी लेना चाहते हैं, उसको हम गिरफ्तार करना है। तो यहाँ पे ऐसे भवन स्वामी का या भार साधक का ये कर्तव्य बनाया गया है कि वो आवश्यक सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाएगा और पुलिस को जो है अंदर आने देगा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो भवन स्वामी है वो उसका विरोध कर सकता है, तो अगर विरोध कर रहा है तो ऐसी स्थिति में जो है वो पुलिस अधिकारी उसमें प्रवेश करने के लिए जो है वो कोई दरवाज़ा है या कोई खिड़की है तो उसको तोड़ करके उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। फिर चलिए हम और देखते हैं आगे, अगर उस भवन है कोई, उसमें कोई कमरा है जो किसी महिला के उपभोग में है, माने महिला उसमें जो है वो निवास करती है, विशेष रूप से उसको अधिभोग में है, तब पुलिस अधिकारी क्या करेगा? तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा गया है, हमारे CRPC में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुलिस अधिकारी जो है वो उस महिला को जो है वो एक प्रकार से सूचना दिलवाएगा कि आप जो है वो वहाँ से हट जाएँ, हम वहाँ पर जो है वो तलाशी लेना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, उसको हटने के लिए उचित जो है वो समय और जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी देगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि कोई पुलिस अधिकारी है जो विधिपूर्वक किसी की गिरफ्तारी करने के लिए किसी घर में प्रवेश करता है और घर वाले थोड़ा सा बदमाशी कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बदमाशी क्या कर दिए कि पुलिस वाले को ही जो है कमरे के अंदर बंद कर दिए, ऐसी स्थितियाँ हुई हैं कई बार, तो तब क्या कर किया सकता है? तो यदि किसी को गैर कानूनी ढंग से पुलिस अधिकारी को अवरुद्ध कर दिया गया किसी कमरे विशेष में या किसी स्थान विशेष में, तो इस स्थिति में भी वो जो है वो दरवाज़ा या खिड़की तोड़ करके जो है वो बाहर निकल सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये 45, 46 और 47 धारा समझ में आ गई होगी,
इनसे क्वेश्चन ही बनते हैं, लगभग जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमने आपको बताया है। तो इसको कुछ नहीं करना हमको, इनको अपने शब्दों में हम कहानी की तरह जो है वो इसको हम ध्यान में रख सकते हैं और क्वेश्चन बनेगा तो हम इसको आराम से हल कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, हमारी ऑफलाइन क्लास ही है। ऑफलाइन क्लास में असल में क्या करता हूँ मैं कि करीब एक डेढ़ घंटे जो है पहले बच्चों को समझाते हुए पूरा सही समझा देता हूँ और मुख्य चीज़ें जो है बोर्ड में लिख ली जाती हैं और लास्ट में जो है इसका एक वीडियो बना दिया जाता है और जो हमारे यूट्यूब चैनल में इसको डाल दिया जाता है। तो इसको वो बच्चे जो हमारी क्लास में हैं वो भी इसको देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे दूर हैं या किसी कारण से हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल ये निःशुल्क है, आप इसको देख सकते हैं। हमारे अभी तक जो हाल के दिनों में जो है आईपीसी पढ़ाई है, तो आईपीसी या प्लेलिस्ट में जा करके और आईपीसी है और सीआरपीसी के हमारे जो पुराने वीडियो हैं 19वां वीडियो आपका ये है, इसके पहले 18 वीडियो आप जो है उसको आराम से देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।